mothers. Welcome to the Dream Baby Garbhsanskar. If you want to watch this video in English, please check link below the description box. अगर ये वीडियो आप हिंदी में देखना चाहते हैं, तो continue कर सकते हैं. आज की वीडियो में हम pre-pregnant and pregnant mothers के लिए गर्भसंस्कार की activities बताने जा रहे हैं. आयुर्वेद के अनुसार गर्भ संस्कार एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का सर्वोत्तम तरीका है. यह एक माँ के मस्तिष्क के ध्वनि तरंगों की ही नहीं बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थितियों को भी नियंत्रित करता है. गर्भवती महिला के लिए आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार कुछ सुझाव प्रदान करते हैं, वे इस प्रकार है. गर्भ संवाद. गर्भावस्था के बारे में सबसे अमूल्य भागों में से एक यह है बच्चे और माँ के बॉन्डिंग का समय यानी कि गर्भ संवाद. गर्भावस्था के दौरान आपका शिशु आवाजों को सुनना और उसके बीच का फर्क समझना शुरू कर देता है. बच्चा माँ की आवाज़ सबसे पहले सुनता है. वूम्ब में रहते हुए अपनी माँ की आवाज़ जानने से बच्चे को उसे पहचानने और डिलीवरी के बाद उसके साथ कनेक्ट होने में मदद मिलती है. नवजात शिशु पहले से ही माँ की आवाज़ को जानकर आराम महसूस करता है. आपकी आवाज़ आपके अजन्मे बच्चे पर सबसे अधिक शांत प्रभाव डालती है. एक रिसर्च में पाया गया है कि शिशु अपनी मूवमेंट से अपनी माँ की आवाज़ का जवाब भी देते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे से बात करने से उसे सुरक्षा का एहसास होता है और स्ट्रेस कम होता है. यह भाषा के विकास में भी मदद करता है और यह माँ के साथ इमोशनली कनेक्टेड होने में भी मदद करता है. स्वस्थ आहार का सेवन. स्वस्थ आहार गर्भावस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि एक शिशु का विकास माँ के पोषण एवं स्वास्थ्य पर निर्भर करता है. आयुर्वेद के अनुसार आहार रस, जिसे पोषण एवं ऊर्जा भी कहा जाता है, और यह एक माँ के आहार से परिवर्तित होता है, जो एक माँ को, शिशु को और माँ के दूध के निर्माण की तैयारी को पोषित करने में मदद करता है. इसके लिए विटामिन एवं मिनरल से परिपूर्ण संतुलित आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है. गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार आहार में कैल्शियम, फॉलिक, आयरन की संतुलित मात्रा होनी चाहिए. गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार में सात्विक आहार शामिल होता है, जिसे पोषण युक्त ताजे खाद्य पदार्थों से तैयार किया जाता है, और इसमें सभी पांचों स्वाद शामिल होते हैं, जैसे कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और तीखा. आयुर्वेद के अनुसार गर्भवती महिला को पंचामृत का सेवन करना चाहिए, जो ऊर्जा एंड इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे एक एक चम्मच दही, शहद, चीनी और 2 चम्मच घी में 8 चम्मच दूध मिश्रित करके बनाया जाता है. इस समय में नशीले पदार्थों को दूर करने की सलाह दी जाती है. सकारात्मक सोच. गर्भावस्था आपको मूडी एंड चिड़चिड़ा बना सकती है. गर्भ संस्कार आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक माँ एंड गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा है. आप अपने लिए कोई नई रुचि को अपना सकती है या सिर्फ वह कर सकती है जो आपको खुश रखे. योग अभ्यास या कुछ हल्के व्यायाम. गर्भ संस्कार गर्भवती महिलाओं को अपने शारीरिक स्वास्थ्य एवं शिशु के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ हल्के व्यायाम या योग करने की सलाह देता है. यहाँ व्यायाम करने के कुछ लाभ दिए हुए हैं, आइए जानते हैं. प्राणायाम द्वारा श्वसन व्यायाम करने से शांति एवं शारीरिक आराम मिलता है, और यह व्यायाम प्रसव के दौरान सांसों को नियंत्रित करने के लिए आपको तैयार करता है. गर्भ संस्कार के कुछ योगासन माओं को सामान्य प्रसव की संभावना को बढ़ाते हैं, साथ साथ प्रसव पीड़ा को कम करने में मदद करते हैं. हल्के व्यायाम शरीर में लचीलापन प्रदान करते हैं, रक्त प्रवाह में सुधार लाते हैं और गर्भावस्था के दौरान कमर दर्द को कम करने में मदद करते हैं. ध्यान.
गर्भ संस्कार में ध्यान करना आवश्यक है और यह शरीर के लिए फायदेमंद है और मन को तनाव मुक्त करता है। यह मन के स्तर को शून्य की ओर ले जाता है, जिसकी मदद से आपको शांति, धैर्य एवं एकाग्रता प्राप्त होती है। ध्यान करते समय बच्चे के बारे में अच्छी कल्पनाएं, माँ और बच्चे के संबंध बेहतर बनाने और सकारात्मक सोचने का एक सर्वोत्तम तरीका है। प्रार्थना। प्रार्थना करना गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह माना जाता है कि बच्चे के आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है। पौराणिक ग्रंथों में कुछ ऐसे मंत्र एवं श्लोक दिए हुए हैं जो एक गर्भस्थ शिशु के लिए लाभकारी होते हैं। इस दौरान जो भी प्रार्थनाएं की जाती है वे बच्चे की अच्छी सेहत एवं नैतिक मूल्य के लिए ही की जाती है और यह आध्यात्मिक विकास का एक भाग है। शांतिदायक संगीत सुने। गर्भ संस्कार के अनुसार गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी संगीत पर भी प्रतिक्रिया देता है। असल में पौराणिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि गर्भावस्था के सातवें माह से शिशु सुनने एवं प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। इसीलिए एक गर्भवती महिलाओं को कोई ऐसा संगीत सुनना चाहिए जो उसे शांति प्रदान करे। ऐसा कहा जाता है कि माँ एवं शिशु के लिए सौम्य एवं आध्यात्मिक गीत या मंत्र श्लोक लाभकारी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेषकर सातवें माह से शिशु बाहरी ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देता है, इसीलिए गर्भ संस्कार के अनुसार शिशु पर संगीत का चिकित्सीय प्रभाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भ में पल रहे शिशु की सबसे करीब ध्वनि उसकी माँ की धड़कन होती है और इसीलिए बच्चे के रोने पर यदि माँ उसे सीने से लगाकर चुप कराए तो वह जल्दी ही चुप हो जाता है। जैसे ही शिशु किसी अपने की ध्वनि सुनता है तो वह शांति महसूस करता है। बिल्कुल ऐसा ही संगीत के साथ भी होता है और हृदय की धड़कन के समान ही संगीत की धुन शिशु में शांति का प्रभाव और अनुभव प्रदान करती है। गर्भ संस्कार यह मानता है कि वीणा, तारों वाले वाद्य और बांसुरी में वह धुन समाहित है जो मन एवं आत्मा को शांति प्रदान करती है। शांति प्रदान करने वाली और आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। गर्भ संस्कार के अनुसार गर्भवती महिला को आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए जिनसे उसे संतुष्टि और शांति प्राप्त हो सकती है। असल में गर्भ संस्कार इस बात का भी समर्थन करता है कि गर्भावस्था के दौरान ज्ञान की किताबें पढ़ने से गर्भ में पल रहे शिशु का व्यक्तित्व आकार लेता है। यह भी माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान पढ़ने से अजन्मी शिशु में ज्ञान के विकास में मदद मिलती है। इस दौरान नैतिक मूल्यों पर आधारित या पौराणिक किताबें पढ़ने की सलाह दी जाती है, किंतु आप चाहे तो अपनी पसंद के अनुसार कोई और किताब भी चुन सकती है। मन को शांत एवं खुश रखे। गर्भ संस्कार के अनुसार गर्भवती महिला को ऐसे कार्यों में व्यस्त नहीं होना चाहिए जो उन्हें तनाव से ग्रसित कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक तनाव में रहने या डरावनी चीजें पढ़ने एवं देखने या चिंता करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यह आपके शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अपने बच्चे के लिए गर्भावस्था के 9 महीनों तक भावनात्मक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। गर्भावस्था के दौरान ऑर्गेनिक घी का सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार गर्भावस्था के 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9वें महीने में घर पर बनाए गए हुए गाय के दूध के घी का सेवन करना चाहिए। यह कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए यह अत्यधिक प्रभावी होता है और यह जन्मजात समस्याओं से शिशु का बचाव भी करता है। आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि शुद्ध एवं ऑर्गेनिक घी नॉर्मल डिलीवरी में गर्भवती महिलाओं की मदद करता है। हालांकि डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि प्रत्येक स्त्री की गर्भावस्था समान नहीं होती है। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें।
गर्भावस्था के दौरान रचनात्मक रहना सिर्फ आपके मन को व्यस्त रखने का तरीका ही नहीं है, बल्कि गर्भ संस्कार के अनुसार आपकी रचनात्मकता गर्भस्थ शिशु को भी प्रभावित करती है। बुनना, कला, बागबानी और यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन बनाना, यह सभी रुचियाँ आपके तनाव को कम कर सकती है और आपके बच्चे में रचनात्मक गुण का भी विकास होता है। तो अपने बच्चे को स्वस्थ, खुश, शांत और बुद्धिमान बनाने के लिए इन सभी अभ्यासों को एक साथ करें। अगले वीडियो में हम सभी गतिविधियों का अभ्यास करना शुरू करेंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।